द व्यूवर्स वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हमने चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव तक कर लिया था यहाँ तक आज हम करेंगे ट्रू फॉल्स ओके राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स ट्रू जो सही है उसके लिए टी और जो फॉल्स है उसके लिए एफ़ लिखना है फर्स्ट वन इज द अर्थ इज फ्लैट हमने पढ़ा था कि अर्थ इज अर्थ इज राउंड पढ़ा था है ना अर्थ इज नॉट फ्लैट तो ये क्या है फॉल्स है ठीक है सेकेंड वन इज द होल शिप अपियर्स बिफोर अस वन वी वॉच इट कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस हमने ये पढ़ा था कि जब बहुत दूर से शिप पर होते हैं पहले उसका आगे वाला फिर थोड़ा बीच वाला फिर उसके बाद धीरे धीरे से पूरा शिप नज़र आता है एक ही साथ पूरा शिप नज़र नहीं आता है तो ये भी क्या है फॉल्स है क्योंकि स्टेटमेंट में बोला है कि एक ही साथ पूरा शिप नज़र आता है ऐसा नहीं होता है ठीक है उसके बाद थर्ड देखें यहाँ पर थर्ड देखें द टू फोर्थ ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ लैंड टू फोर्थ ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ लैंड लो नहीं ऐसा नहीं है जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि थ्री फोर्थ ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड वाटर था है ना कि चार में से तीन हिस्सा जो है पानी से घिरा हुआ है पानी ने कवर किया हुआ है तो एक ही हिस्सा हुआ ना लैंड का चार में से तीन हिस्सा अगर पानी का है तो एक हिस्सा लैंड का है तो टू फोर्थ नहीं वन फोर्थ है ठीक है तो ये भी क्या हुआ फॉल्स फोर्थ पॉइंट देखें प्लेनेट सन प्लेनेट नहीं है ठीक है सन के इर्द गिर्द सारे प्लेनेट घूमता है सन एक प्लेनेट बिल्कुल भी नहीं है तो ये भी क्या हुआ फॉल्स है ठीक है अब एडिशनल एक्टिविटी यहां पे देखें ये भी मैं आपको करा देती हूँ क्वेश्चन नंबर वन देखें द गेस द नेम्स ऑफ द प्लैनेट्स बाय द हिंट्स गिवन बिलो जिस तरह के यहाँ पे हिंट्स दिए हुए हैं उसके हिसाब से हमें प्लैनेट्स कौन सा है कौन सा प्लैनेट है ये गेस करना है ठीक है तो द फर्स्ट वन इज द प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्विन अर्थ के ट्विन किसको बोला जाता है विनस को बोलते हैं ठीक है ठीके? सेकेंड द लार्जेस्ट प्लानट इन द सोलर सिस्टम सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लानट कौन सा है जुपिटर द प्लैनेट नोन फॉर इट्स सिस्टम ऑफ थ्री रिंग्स कौन सा प्लान रिंग्स के लिए जाना जाता है थ्री रिंग्स के लिए सैटरन को सेटरन इसके लिए मशहूर है जाना जाता है ठीक है फोर्थ इज द रेड प्लानट रेड प्लानट किस को कहते हैं मार्स को मार्स को ठीक है द प्लानट नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड ऑफ ओशन रोमन गॉड ऑफ ओशन के नाम से कौन सा नाम लिया हुआ है किस कौन से प्लानट का नाम लिया है नेपट्टून का ठीक है the सिक्स है द ब्लू प्लानट ब्लू प्लानट किस को कहते हैं अर्थ को क्या कहते हैं ब्लू प्लानट हमने इसमें भी पढ़ा था कि अर्थ जो है स्पेस से जब हम देखते हैं तो वो क्या नजर आता है ब्लू नजर आती है इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लानट भी कहते हैं हैं ठीक है ओके चलें आज हम यहीं रखते हैं और यहाँ पे चैप्टर ख़त्म हो जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने आगे भी सारे कंप्लीट कर लिया होगा नोटबुक में लिख के पीछे वाले से जितने भी हमने करवाया है आपको सब आपने किया होगा और आगे भी आप कंप्लीट करेंगे